भोपाल के जबूरी मैदान पर करणी सेना का जन आंदोलन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। करणी सेना के 5 पदाधिकारी 21 सूत्री की मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। यहां रविवार और सोमवार की रात मैदान में करणी सेना के पदाधिकारियों के अलावा मंच के आसपास 100 से 150 लोग रजाई ओढ़कर डटे रहे। वहीं पुलिस की ओर से भी रात में उन्हें हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान 2-4 वाहनों में लोगों के आने जाने का सिलसिला भी चलता रहा। इसके बाद सोमवार सुबह 9 बजे से मैदान पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। आपको बता दें कि महिलाएं भी जन आंदोलन के दूसरे दिन आ रही हैं। साथ ही करणी सेना के कार्यकर्ता जय भवानी के नारे भी लगा रहे हैं। वहीं करणी सेना के प्रदेश प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में जन आंदोलन किए जाएंगे। मैंने खुद लोगों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वापस भेजा है। यदि जल्द ही मांगे नहीं मान ली जाती है तो हर विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन शुरू करेंगे। सक्रिय राजनीति पर भी उतरेंगे। अनुमति नहीं होने से जन आंदोलन को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी करणी सेना कर रही है, लेकिन अभी दूसरी जगह तय नहीं की गई है। साथ ही करणी सेना के भोपाल प्रमुख कृष्णा बुंदेला ने बताया कि दूसरी जगह की अनुमति भी प्रशासन देना नहीं चाह रहा है। मैदान से हट जाने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन करणी सेना के कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखकर जन आंदोलन स्थल पर आकर बात नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने करणी सेना को रविवार शाम 5 बजे तक कार्यक्रम की अनुमति दी थी, लेकिन अब करणी सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि हम अपनी मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे, हमें कोई नहीं हटा सकता। यदि हाथ लगाया तो एक आवाज पर फिर लाखों लोग आ जाएंगे। अधिकारियों से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, अनुमति एक दिन की दी थी, लेकिन वो हटे नहीं हैं। हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं हटे तो दूसरी रणनीति का विचार करेंगे।